सो हे गाइस, फिर वेलकम बैक टू चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक ट्विटर यूज़र है तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आखिर आप अपने ट्विटर के अकाउंट को परमानेंटली यहाँ पर कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर ट्विटर के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ट्विटर के एप्लीकेशन में यहाँ पर आने के बाद आपको चले जाना है अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में। फ्रेंड्स, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आखिर आप यहाँ पर कैसे डिलीट कर सकते हैं यार परमानेंटली अपना ट्विटर का अकाउंट। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिंपली एक अपना यहाँ पर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लाइव प्रूफ यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। तो गाइस, सिंपली आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन यहाँ पर टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है फर्स्ट नंबर पर योर अकाउंट का। तो देन गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर योर अकाउंट वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिलीट योर डीएक्टिवेट अकाउंट का। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको डीएक्टिवेट अकाउंट वाले लास्ट ऑप्शन पर यहाँ पर सिंपली टैप कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर डीएक्टिवेट का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करते हैं तो फ्रेंड्स, उसके बाद होगा ये कि आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो डिलीट के लिए यहाँ पर चला जाएगा। और जैसे यहाँ पर 30 दिन बीत जाते हैं, यानी कि 30 डेज यहाँ बीत जाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपका यह अकाउंट यार कम्प्लीटली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, 30 दिन से पहले अगर आपका यहाँ पर मन करता है कि मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट को डिलीट नहीं करना है, तो आप ये डिलीट वाले प्रोसेस को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट को वापस यहाँ पर नॉर्मली पहले जैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करते हैं और 30 डेज तक यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका ये अकाउंट 30 डेज बाद यहाँ परमानेंटली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा यहाँ पर ट्विटर के सर्वर से कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स, सिंपली मैं यहाँ पर डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करता हूँ। देन फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने यार पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है कि आपका इंस्टाग्राम का जो भी पासवर्ड था उसको आपको यहाँ फिल कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड को फिल कर दिया एंड डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल रहा है यहाँ पर योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। फ्रेंड्स, सिंपली आपको यस डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप कर देना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है सॉरी टू सी यू गो गुड बाय। देन फ्रेंड्स, सिंपली आपको गॉट इट वाले ऑप्शन को टैप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वाला अकाउंट जो था पहले वाला वो यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। यानी गाइस, मेरा वाला अकाउंट 30 दिन के बाद यहाँ पर कम्प्लीटली ट्विटर के सर्वर से एंड परमानेंटली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मन करता है कि मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट को डिलीट नहीं करना है, तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पर अपना अकाउंट वापस से लॉग इन कर लेना है एंड डिलीट वाले प्रोसेस को यहाँ पर रोक देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डिलीट वाला प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगा और नॉर्मली आप पहले से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे अपना ट्विटर का उसी अकाउंट को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस ट्विटर से एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं ऐसी अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा ऑनली ऑन अपने इसी चैनल पे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का, सब कुछ करने का एंड खुश रहने का।